नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी की इस नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरोगेसी बिल के बारे में। दोस्तों सरोगेसी बिल की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, बनी रही आप हमारे साथ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यदि इससे प्रश्न बनेगा तो यह प्रश्न बनेगा कि सरोगेसी बिल है यह कब पारित किया गया था। तो दोस्तों सरोगेसी बिल है यह लोकसभा में 19 दिसंबर 2018 को पारित किया गया। कब? 19 दिसंबर 2018 को यह पारित किया गया था सरोगेसी बिल। अब दोस्तों जान लेते हैं आखिर सरोगेसी बिल है क्या। तो दोस्तों सरोगेसी बिल का मतलब होता है किसी और की कोख से अपने बच्चे को जन्म देना। यानी कि दोस्तों अगर कोई पति पत्नी अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे हैं तो किसी अन्य महिला की कोख को किराए पर लेकर उसके जरिए बच्चे को जन्म देना सरोगेसी कही जाती है। ठीक है, और दोस्तों जिस महिला की कोख को किराए पर लिया जाता है उसे सरोगेट मदर भी कहा जाता है। यानी कि जो बच्चा इससे जन्म लेने के बाद वापस ले लिया जाता है तो उस महिला को सरोगेटी मदर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि सरोगेसी बिल के उद्देश्य क्या हैं। तो दोस्तों ये बता दें आपको, यह सरोगेसी जो विधेयक है लाने का उद्देश्य भारतीय महिलाओं को उत्पीड़न से बचाना है। और दोस्तों बिल के माध्यम से सरोगेट जननी तथा उससे उत्पन्न बच्चे के अधिकारों की सुरक्षा की जाएगी। यानी कि उनके साथ कुछ भी गलत व्यवहार या फिर दुरुपयोग नहीं किया जाएगा उसका। ठीक है, और क्या दुरुपयोग रोकने के लिए यह बिल है जो पारित किया गया है। इसके बाद चलते हैं आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं विधेयक से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं। दोस्तों पहला यहाँ पर रहेगा कि विधेयक केवल उन्हीं जोड़ों या पति पत्नियों को सरोगेसी की अनुमति देगा जो बच्चे जन्म नहीं दे सकते, यानी कि जो बच्चे को जन्म देने के लिए सक्षम नहीं है। इसके बाद बता दें दोस्तों विधेयक के मुताबिक सरोगेसी का लाभ उठाने के इच्छुक व्यक्तियों को भारतीय होना आवश्यक होगा और उनकी शादी के कम 5 वर्ष हो चुके होने के बाद ही इसका आप लाभ ले सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा जोड़ों में किसी एक को यह साबित करना होगा कि वह बच्चे को जन्म नहीं दे सकती या बच्चे को जन्म देने की स्थिति में नहीं है। और दोस्तों के बाद में है सरोगेसी के लिए बनाया जा रहा है प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए कठोर सजा का भी प्रावधान किया गया है। यानी कि दोस्तों यदि ऐसा जो भी दुरुपयोग करेंगे या फिर गलत ये सब जो नियम इसके बनाए इसका उल्लंघन कोई भी करेगा उसके लिए सजा का भी प्रावधान है। इसके बाद चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, इस बिल में राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड तथा राज्य सरोगेसी बोर्ड की स्थापना के भी प्रावधान है। यानी कि एक दोस्तों इस बिल के लिए राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड की स्थापना की जाएगी और दूसरा राज्य सरोगेसी बोर्ड की भी स्थापना की जाएगी। यानी कि राज्य में की जाएगी जो राज्य को देखेगी और जो राष्ट्रीय यानी कि केंद्र में की जाएगी वह संपूर्ण भारत पर निगरानी रखेगी। इसके बाद दोस्तों इस बिल के अनुसार समलैंगिक तथा एकल अभिभावकों को सरोगी की अनुमति नहीं होगी तथा जिस दंपत्ति के पहले से बच्चे हैं वे भी सरोगेसी का उपयोग नहीं कर सकते। यानी कि जो पहले से बच्चे को जन्म दे चुके हैं वो बाद में नहीं दे पाते, वह इनका उपयोग नहीं कर सकते सरोगेसी का। इसके बाद दोस्तों आगे है, इस बिल के अनुसार कोई महिला जीवन में केवल एक बार ही सरोगेट कर सकती है, उसकी उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच ही होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों जो भी सरोगेट है या फिर जो सरोगेसी का उपयोग करना चाहते हैं तो वह केवल जीवन में अपने एक बार ही सरोगेट बच्चे को जन्म दे सकती है, दोबारा नहीं दे सकती है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि दोस्तों इसका दुरुपयोग होता था या फिर व्यापार होने लगा था, इसलिए यह जो बिल है यह पारित किया गया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं इसके जो सजा के प्रावधान है भाई कौन कौन से हैं। दोस्तों सैरोगेट बिल के मुताबिक इसके नियम को काफ़ी कठोर बनाया गया है। अगर सैरोग्रेस के प्रावधान तोड़े गए तो इच्छुक दंपत्ति और सैरोगेट माँ को क्रमशः कम से कम 5 साल और 5 साल से लेकर 10 साल तक की सजा यहाँ पर हो सकती है और इसके अलावा 5 लाख से 10 लाख का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और दोस्तों अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर इसके नियमों को तोड़ता है तो उसके लिए भी कम से कम दोस्तों 5 से 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी उसको देना पड़ता है।
तो दोस्तों यह वीडियो अब होता है यहीं पर समाप्त है। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।